तो बहुत जल्द ही ड्रैगन बॉल सुपर का हमें न्यूयॉर्क देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका आप लोग भी काफी समय से इंतजार कर ही रहे होंगे। और इसके न्यूयॉर्क का हिंट तुम्हें खुद ब खुद अगले यानी 100 चैप्टर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। और इतना ही नहीं, कुछ न्यूज न्यूयॉर्क को लेकर निकल कर आई है, जिसमें उसके ट्रेलर के बारे में बताया गया है। और देखो, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि आखिर सुपर हीरो आर्क अब अपने बिल्कुल एंड पे है, जिसका 99 चैप्टर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगले मंथ यानी दिसंबर में हमें 100 चैप्टर दिखने वाला है, जिसमें ये सुपर हीरो आर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके साथ साथ ये 100 चैप्टर अपने कुछ आखिरी पेजेस में हमें नए आर्क के चैप्टर्स का कुछ हिंट देगा, जो कि हमें मांगा में ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसके साथ हमें इस दिसंबर में एक टीजर या ट्रेलर भी देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें ये तो पक्का है कि हमें उसमें नए आर्क के बारे में ही दिखाया जाएगा। और ये जो ट्रेलर होगा जनवरी में आने वाले नए चैप्टर या कहूं न्यू आर्क के बारे में ही होगा। और ये बात मैं तुम्हें पहले से ही कहता आ रहा हूं कि इसका 100 चैप्टर अलग तो जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बड़ा ये चैप्टर जरूर लाएगा। अब देखो, ये जो सुपर हीरो आर्क है, इसमें ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट अभी है नहीं, क्योंकि इसमें दिखाई गई चीजें वो सब मूवी में पहले ही देख चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इनकी छोटी छोटी चीजों को भी जो नए नए चैप्टर्स में दिखाए जा रहे हैं, वो लोग इसे देखना चाहते हैं। और इन चैप्टर्स पे व्यूज न आने के बाद भी मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये चैप्टर अपने चैनल पर कवर किया है। बाकी अब हाइप तो आगे बढ़ने वाली ही है आर्क को लेके, तो बने जरूर रहना चैनल पे, जिसे मैं इसी चैनल पर पूरी तरह से कवर करता रहूंगा। अब देखो, ये जो 100 चैप्टर है, इसमें हमें नए आर्क का हिंट तो दिखने ही वाला है, क्योंकि सुपर हीरो आर्क पूरी तरह से इस 100 चैप्टर में एंड होता हुआ हमें दिखाया जाएगा, जिसमें सेल मैक्स भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके हिंट तो 99 चैप्टर में तुमने देख ही लिए होंगे। और 100 चैप्टर में हमें शायद ये हिंट देखने के लिए मिल सकता है कि ग्रैनुला आर्क के बाद आखिर क्या हुआ, ब्लैक फ्रीजा का आखिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अभी भी कहां है और वो कौन है। इन सभी सवालों का जवाब हमें शायद से इस नए आर्क में देखने के लिए मिल जाए, और उसके हिंट शायद 100 चैप्टर में ही दिखाए जाए। और फिर जैसे तुमने सुपर हीरो मूवी के लास्ट में ये देखा ही था कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली सभी बीरस के प्लेनेट पे थे, और वहाँ फ्रीजा के लिए ही शायद से ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें हमें गोकू वर्सेस वेजिटा भी बिल्कुल एंड में देखने के लिए मिला ही था, जिसमें वेजिटा के जीतने के बाद ही हमें शायद से नए आर्क के कुछ सीन मांगा में देखने के लिए मिल जाए। और ये सब मेरे ख्याल से तो 100 चैप्टर में ही हो जाएगा, जिसमें गोकू वर्सेस वेजिटा के बाद शायद वहाँ बीरस के प्लेनेट पर सभी ब्लैक फ्रीजा और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में बात करते हुए हमें दिखाई दे, जिसमें वो सब ये बताए कि वो ब्लैक फ्रीजा के बारे में और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में अभी तक क्या जान चुके हैं, जिसमें फिर से विश इन सभी के बारे में हिंट करे कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और वो कहाँ है, और वो क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन, और क्या फ्रीजा उसी की खोज में स्पेस में गया है, जिसमें शायद से एक छोटा सा सीन हमें फ्रीजा के बारे में भी स्पेस में देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि तुमने ग्रैनुला आर्क लास्ट में देखा ही था ना, कि फ्रीजा गोकू वेजिटा को पीटने के बाद उन्हें छोड़कर कहीं स्पेस में चला गया था और किसी जरूरी काम के बारे में बता रहा था। अब वो क्या है, शायद से उसी का हिंट विश वहाँ कर दे, और उसी खतरे के लिए ही शायद से गोकू, वेजिटा और ब्रोली वहाँ ट्रेन हो रहे हैं। और देखो, दिसंबर में जो ट्रेलर हमें दिखने वाला है, शायद से उसमें भी हमें बस नए आर्क का एक छोटा सा ही हिंट दिखाया जाएगा, जैसे कि ग्रैनुला आर्क को लेकर उस टाइम पे जम फेस्टा के ट्रेलर में दिखाया गया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है, यही कहते हुए हमें उस ट्रेलर में दिखाया गया था। तो शायद उसी तरह से इस ट्रेलर में भी ये बता दिया जाएगा कि नया आर्क किस बात पर ज्यादा फोकस करेगा और ये आर्क किस पर होने वाला है, क्या ये ब्लैक फ्रीजा पर होगा या किसी और नई चीज पर। और 20 दिसंबर को मांगा का 100 चैप्टर आएगा, तो उसमें तो हिंट हमें मिलेंगे ही, जिसको भी सभी चैप्टर्स की तरह ही मैं अपने चैनल पर कवर करूंगा। और शायद से इसी डेट के आसपास भी हमें वो ट्रेलर भी देखने के लिए मिल ही जाएगा, जिसके बाद ये नया आर्क इस जनवरी से शुरू हो जाएगा। और देखो, न्यूज की बात करें तो कुछ ऑफिशियल न्यूज ही है कि एक जापान का चैनल है जो कि है बंडाई स्प्रिट करके, जिसमें हर महीने वो ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर को लेके हिंट देते हैं और बात करते हैं, और उसी तरह उन्होंने 100 चैप्टर के बारे में भी बताया है। लेकिन इस बार उन्होंने इस चैप्टर को लेके काफी ज्यादा हाइप करा है कि इस चैप्टर में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो कि ड्रैगन बॉल फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा और उन्हें हाइप्ड करेगा, जिसमें उन्होंने ये बातें बताते हुए अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, और आगे आने वाले क्रेजी डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा है कि आगे कुछ तो क्रेजी होगा। तो इससे भी यहाँ ये भी हिंट हमें मिल ही जाता है कि 100 चैप्टर कुछ हिंट्स तो हमारे लिए न्यूयॉर्क का जरूर लाएगा। अब देखो, जो भी 100 चैप्टर और उसके बाद से अब मांगा में होने वाला है, जिन्हें मैं अपने चैनल पर कवर तो करूंगा ही, और स्टोरी
प्रेडिक्शन तो मैंने करी ही है कि इसमें आगे ब्लैक फ्रीजा तो दिखेगा ही, लेकिन ये भी तुम मत भूलना कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपनी किस चीज पर ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां उनका लक्ष्य फ्रीजा को हराना तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ उन सभी का ये भी इरादा है कि वो अपनी फॉर्म्स को और ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा ठीक करे। जिसका मतलब यह है कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नई फॉर्म पे काम कर रहा है, और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो पे, और ब्रोली अपनी मास्टर सेयन फॉर्म पे, जिसमें अपने वो रेज सेयन फॉर्म को मास्टर करके संभालेगा और अपनी रेज को वहां सुधारेगा। तो यहां ये समझ ही सकते हो कि आगे असलियत में क्रेजी क्या होगा। और यही नहीं, गोहान भी है जो कि बीस्ट गोहान फॉर्म को पा चुका है, जिसके बारे में भी बातें शायद गोकू और बाकी सभी वहां करते हुए हमें दिखाई देंगे, और विस शायद उन्हें ये सब बताएगा। और अगर इस बार फ्रीजा एक बड़े प्लान के साथ और बड़े पावर के साथ अर्थ पर अटैक करता है, तो वहां बीस्ट गोहान उसके लिए खड़ा होगा और उसके लिए तैयार होगा, और उसके साथ साथ गोकू, वेजिटा और ब्रोली, जो कि अपनी फॉर्म्स को सुधार कर वहां आए होंगे, अगर साथ में एक्शन करते हुए दिखाया जाता है तो फिर तो अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल कहलाने लायक ये आर्क तो होगा ही। पहले हमने ग्रेनोला आर्क में दो सेयंस को साथ में लड़ते देखा था, और अब इन चारों सेयंस को भी अगर देख लेते हैं तो ये आर्क तो पक्का क्रेजी होने वाला है। बाकी आगे जो भी होगा वो सब तुम्हें मेरे चैनल पर पता चल ही जाएगा, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और नए आर्क को लेकर तुम्हारे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।